Hello friends, welcome back to our YouTube channel Fitness and Travel. Hope you guys are fine and safe at your home. So friends, today's vlog is all based on frequently commonly asked questions through our clients and people and on Instagram also about the diet, about the exercises, routine, supplements, protein and different things which are commonly asked. So आज हमने सोचा कि वो हम थोड़े से क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं और साथ में उसके आंसर्स भी शेयर करते हैं. माइट भी वो आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा. सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो देन. सो गाइस लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है बेली फैट. सबका ही ये क्वेश्चन होता है कि बेली फैट कैसे कम करें, कौन सी एक्सरसाइजेस करें. देखिए मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ. बेली फैट है वो आपको उस पर 100% डाइट रिस्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा. आप ड्यूरेशन मत देखिए कि आपको कितना लंबा डाइट करना है. जब तक आपको रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक आपको स्ट्रिक्ट डाइट करना ही पड़ेगा. एंड इसके लिए जो एक्सरसाइजेज होती है बेसिकली आप क्रंचेज, लेग रेज, रिवर्स क्रंच, बाइसिकल क्रंच जो कॉमन एक्सरसाइजेज होती है वो कर सकते हैं. लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए आपको एक डिसेंट अमाउंट में कार्डियो करना पड़ेगा. कार्डियो के बिना जो हमारा फैट का लेयर होता है जो हमारे बेसिकली एब्स मसल के ऊपर होता है वो नहीं जाएगा. अगर आप जितने भी क्रंचेस कर लीजिए, जितने भी लेग रेजेस कर लीजिए, जब तक आप कार्डियो नहीं कर रहे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, मीठा नहीं छोड़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कम नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन इंटेक बढ़ा नहीं रहे हैं, तब तक आपका बेली फैट नहीं जाने वाला. बेली फैट को कम करने के लिए आप एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कीजिए जिसमें कि आप कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को ड्रॉप कर दीजिए. फैट बिल्कुल ना लें, कार्बोहाइड्रेट कम कर दें और प्रोटीन इंटेक बढ़ा दें तो आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स जो सेकेंड हमारे पास कॉमन क्वेश्चन आता है दैट इज ऑफ सैगी ब्रेस्ट. जो सैगी ब्रेस्ट है बेसिकली ये हो जाती है आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी फीडिंग की वजह से और ओवरवेट की वजह से भी फीमेल्स में. तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए बेसिक जो फर्स्ट नीड है दैट इज़ ऑफ एक्सरसाइज. ठीक है, एक्सरसाइज में आपका कार्डियो ज़रूरी है आपको करना, साथ ही आपको लिफ्टिंग करना ज़रूरी है. चेस्ट प्रेस, चेस्ट इंक्लाइन प्रेस ये आपको करना ज़रूरी है. पुशअप्स कीजिए, वॉल पुशअप इंक्लूड कीजिए अपने शेड्यूल में, एक्सरसाइज शेड्यूल में. ये सब आप कर सकते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. आपको लिफ्टिंग करनी बहुत 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 ज़रूरी है तभी आपका कोई बॉडी पार्ट, जो भी आपका बॉडी पार्ट है, टारगेटेड बॉडी पार्ट, वो आपका टोन्ड अप होगा. वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और जो भी आपका जैसे आप हम अभी ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं तो उसको आप अपने वीकली शेड्यूल में दो बार डाल लीजिए. दो बार उस पर फोकस कीजिए, दो बार उस मसल पे काम कीजिए तो आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा. सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोटीन से रिलेटेड कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए. प्रोटीन लेने से हमारा वेट तो नहीं बढ़ेगा. सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़रूर प्रोटीन ले सकते हैं और लेना भी चाहिए. अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसा है तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए फिर ही आप प्रोटीन लीजिए. एंड सेकेंड, लोगों का जो मिथ होता है कि हम प्रोटीन लेंगे हमारा वेट बढ़ जाएगा, फैट परसेंटेज बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. अगर आप एक आइसोलेट एक अच्छे ब्रांड का प्रोटीन ले रहे हैं सो आपको करना क्या है, आप प्रोटीन इंटेक कीजिए. अगर आप फैट लॉस चाह रहे हैं तो अपना कार्बोहाइड्रेट एंड जो आपका फैट कंटेंट है, जो आप फैट ले रहे हैं डेली, उसको आप कम कर दीजिए. फैट को तो बिल्कुल जीरो कर दीजिए मैं कहूँगा, और कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल कम कर दीजिए तो आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा. जो आपके फैट लॉस जो आप करना चाह रहे हैं उसके रिजल्ट्स में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएंगे. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने चूज किया है वो है बैक पेन के ऊपर कि बैक पेन हमें बहुत ज्यादा होता है. सो गाइज बैक पेन के रीजन बहुत सारे होते हैं. सिडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप बैठे रहते हैं, सिटिंग जॉब है, लैपटॉप पे बहुत ज्यादा काम करना है. कुछ आज जो यंगस्टर्स हैं वो फोन में बहुत देर तक गेम खेलते हैं. सो उसके लिए आपको रिलीफ लेने के लिए, आराम के लिए आप बोल सकते हो, आपको लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी. सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है उसके लिए आपको हिप रेज कर सकते हैं आप. कैटल कैमल एक्सरसाइज होती है एंड सुपरमैन एक्सरसाइज होती है, वो आप कर सकते हैं. और जो मेन आपको जो पॉइंट याद रखना है वो आपको ये रखना है कि आप अपना बैठने का, खड़े रहने का, काम करने का जो पॉस्चर है उसको आप बिल्कुल सीधा रखें, स्ट्रेट रखें अपने स्पाइन को, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा रिकवर में. एंड
पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी फीमेल्स को काफी प्रॉब्लम होती है, तो उनका भी सेम होता है कि आप लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग कीजिए, धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाइए, कैट एंड कैमल, हिप रेज बहुत बिजी एक्सरसाइज है, जितनी भी एक्सरसाइजेस है वो पोस्ट प्रेगनेंसी में आराम से की जा सकती है। हाँ। कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते। हाँ, आपको ये एक्सरसाइजेस जो है कैट एंड कैमल हो गया, हिप रेज हो गया, ये बैक पेन में बहुत रिलीफ करती है, आपको बहुत आराम मिलेगा इन एक्सरसाइजेस करने। सो गाइज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मजा आता है ये क्वेश्चन सुनने में भी और आंसर देने में भी और लोगों के आंसर सुनने में भी। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्कआउट ड्यूरेशन। आप वर्कआउट ड्यूरेशन कितना करते हैं आशीष? देखिए, मुझे ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स हो गए वर्कआउट रेगुलर करते हुए, और मेरे को नहीं पता कि मैंने एक घंटे से ज्यादा वर्कआउट कब किया होगा। लोग कहते हैं यार उसने तो इतनी अच्छी फिजिक बना ली, वो तो 2 घंटे एक्सरसाइज करता है। चार घंटे करता है, मैं 3 घंटे करता हूँ। देखिए, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो आप 45 मिनट्स में अगर आप क्वालिटी वर्कआउट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, रादर दैन कि आप क्वांटिटी वर्कआउट कर रहे हैं। मैं क्वांटिटी में तो हम वेस्ट भी करते हैं ना टाइम। हाँ, क्वांटिटी में आप बहुत ज्यादा वेस्ट भी करते हैं टाइम। तो लोग कहते हैं कि हम वेट ट्रेनिंग में 1 घंटा करते हैं, 2 घंटा करते हैं, मुझे समझ नहीं आता वेट ट्रेनिंग में इतना टाइम लगता कैसे है। आप खुद सोचिए, अगर आपको 4 एक्सरसाइजेस 2 बॉडी पार्ट्स भी कर रहे हैं, 4 एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्डली वो 45 मिनट से 1 आवर में मैक्सिमम अगर आप अच्छा रेस्ट लेके कर रहे हैं तो वो खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि हम आज कार्डियो किया हमने 1 आवर, हमने 1 आवर वेट ट्रेनिंग भी कर ली, किया हम योगा क्लास चल रहा था तो उसमें भी चले गए, जुम्बा भी कर लिया तो सब कर लिया और रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा। तो मेरे कहने का मतलब है आप 45 मिनट से 1 आवर एक्सरसाइज को दीजिए। इतना टाइम निकालिए, 60 मिनट आर मोर देन आप इतना टाइम दीजिए और अपना जो वर्कआउट शेड्यूल है उसको एक अच्छे वे में प्लान कीजिए कि आपको आज क्या करना है। जैसे आपको आज चेस्ट करना है, सपोज एक मसल ले लीजिए, और बाइसेप्स करना है तो आप उसकी 4-4 एक्सरसाइज ले लीजिए और उस सेट्स के बीच में, हर सेट के बीच में मिनिमम गैप रखिए, 15-20 सेकंड का गैप रखिए, फिर आप देखिए आपका वर्कआउट 45 मिनट्स में कैसे खत्म नहीं होता है और आपको उससे रिजल्ट भी मिलेगा। हमको जिम जाते हुए बहुत टाइम हो गया, हमने देखा जो लोग कहते हैं तो हमने 2 घंटे एक्सरसाइज करी, 3 घंटे एक्सरसाइज करी, वो सिर्फ कहने की बातें होती है, वो आधे टाइम जिम में गॉसिप में लगे होते हैं, कुछ टाइम पास कर रहे होते हैं, कुछ वॉशरूम में होते हैं, कुछ स्टीम्स पा ले रहे होते हैं। हाँ, जो बंदा सीरियसली 2-3 घंटे वर्कआउट करता है, या तो वो एथलीट है, बॉक्सर है, कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक की तैयारी कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको 2-3 घंटे लग सकते हैं। वो हो सकता है 2 घंटे सुबह भी कर रहा होगा, 2 घंटे शाम को भी कर रहा होगा, बट ही इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, हाँ, सम गोल। उसको ओलंपिक करना है, इंडिया के लिए उसको मेडल चाहिए, कुछ करना है तो वो करेगा। अगर आप बेसिक नॉर्मल रूटीन में आप कह रहे हैं कि आप 2-3 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट रहने के लिए इतना कर रहे हैं, सो मेरे हिसाब से ये गलत बात है। तो 60 मिनट्स मैक्सिमम 60 मिनट्स इज वर्थ इट। आप इतना ही कीजिए, आप अपना शेड्यूल अच्छे से प्लान कीजिए, अपनी बॉडी को इतना एक्सर्ट मत कीजिए। हाँ। जितना बॉडी आपको परमिशन देती है उतना ही कीजिए। हाँ, इसके पीछे भी बहुत लॉजिक है, मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बेसिकली थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, होता क्या है जब आप वर्कआउट करते हैं तो जो वर्कआउट का फर्स्ट 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है, आप कह लीजिए 45-50 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है, उसमें आपकी बॉडी ग्लूकोज यूटिलाइज करती है, ग्लूकोज के बाद कुछ देर में बॉडी आप कह सकते हैं स्विच करती है, फिर फैट यूटिलाइज करने लग जाती है। जब आपका वर्कआउट उससे ज्यादा होने लग जाता है तो वर्कआउट आपके मसल्स को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करने लग जाती है, यूटिलाइज करने लग जाती है आपके वर्कआउट को एनर्जी देने के लिए। सो देयर इज नो यूज कि आप इतना वर्कआउट करें और एग्जर्ट करें, अननेसेसरी पुश मत कीजिए। सो गाइस, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके भी माइंड में हो ऐसा ही कुछ फिटनेस से रिलेटेड और आप पूछना चाह रहे हो, आप गूगल भी कर रहे होंगे, सो हमने उसका आंसर दिया है आपको और होप करते हैं कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने कोशिश करी है आपको देने की आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आप उससे कुछ आपको हेल्प मिले। एंड सॉरी प्रेटर को थोड़ी नींद आ रही है, हम बहुत लेट नाइट शूट कर रहे हैं। एंड सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए हमें। आपको अगर क्या कोई क्वेश्चन पूछना है फिटनेस से रिलेटेड तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे आपको।
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएं। सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो। प्रेरणा को बहुत नींद आ रही है, जाते ही बस सोने वाली है, बहुत लेट नाइट शूट कर रहे हैं, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप जाके सो। सो गाइस बाय, मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, प्लीज गुड नाइट, टेक केयर। Navya, I'm gonna catch you. Navya, I'm coming. I'm gonna catch you. Should I catch you? Should I catch you?